भाजपा सरकार ने आज देश को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, एक तरफ बेरोजगारी बुलंदियों को छू रही है तो दूसरी तरफ गिरती अर्थव्यवस्था है। इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों, नोटबंदी और जीएसटी से देश पहले ही बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और अब अनप्लान लॉकडाउन ने तो बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नोटबंदी के दौरान 2 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था और अनप्लान लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सीएमआईटी, एनसीआरबी और आईएलओ के आंकड़े बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर जा चुकी है। देश में हर दिन युवा आत्महत्या कर रहे हैं। अनप्लान लॉकडाउन के बाद से करीब 20% लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस एक बार फिर युवाओं के हक के लिए आवाज उठा रही है। आप भी रोजगार दो महाअभियान से जुड़ें और 5 सितंबर को बिहार में होने वाली डिजिटल रैली का समर्थन करें।